हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज इस वीडियो में अपन थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भी बच्चों का 9 और 10 मई को आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने जा रहा है, उनसे रिगार्डिंग अपन यहां पे थोड़ा सा बातें करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 9 और 10 मई को आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर है, हजार हजार किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, ठीक है। केवल लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी है ना। अगर कोई नॉर्थ की लड़की है, उसका साउथ में है, या आपका नॉर्थ ईस्ट में सेंटर कहीं बहुत दूर दूर भेज दिया गया है, तो उससे रिलेटेड अपन थोड़ा सा बात करेंगे और देखेंगे क्या सेंटर चेंज करने का कोई ऑप्शन है, क्या आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो इतना दूर सेंटर है तो फ्री ट्रेन टिकट्स किसको किसको दी जाएंगी रेलवे द्वारा, रेलवे फ्री पासेस किसको देगा। और एक और डाउट रहता है बच्चों के मन में कि पेपर लैंग्वेज क्या होने वाला है, ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारा आज अपना डिस्कशन होने वाला है और इतना दूर क्यों है एग्जाम सेंटर, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑली बोर्ड जो कि आप जानते हैं बैंकिंग के लिए सबसे फेमस है पूरे इंडिया में, इसने अपना आरबीआई असिस्टेंट का मेंस बैच शानदार तरीके से लॉन्च किया है। ये सुपर प्रैक्टिस बैच होने वाला है जिसमें आप 40 की जगह 45% की छूट ले सकते हैं, 5% और ज्यादा की सौरव कूपन कोड का इस्तेमाल करके। और आप बैंकिंग सुपर एलीट जो कि बेस्ट मेरी तरफ से आपको सजेशन है, ऑली बोर्ड का एक ऐसा पैकेज होता है जहां पे सारे पूरे साल भर में जितने भी 14 से 15 बैंक एग्जाम आते हैं उन सभी बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस, उनकी पीडीएफ, आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं सेक्शनल और फुल लेंथ सब मिल जाता है, लाइव प्रैक्टिस सेशन, हर चीज। तो बैंकिंग सुपर एलीट जरूर ज्वाइन करें, कोड इस्तेमाल करें सौरव और जुड़िए ऑली बोर्ड के साथ और अपनी सपनों को पर दीजिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। साथ ही आप सभी का ग्रुप डी और सीबीटी 2 का पेपर है, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 जो बाकी लेवल वाले स्टूडेंट हैं, है ना, 4 और 6 वाले तो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, जो बाकी लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो ऑली बोर्ड मॉक्स जरूर प्रेफर करें और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के लिए यूज करिए सौरभ, सबसे ज्यादा छूट मिलेगी और आपको सारे मॉक्स बेहतरीन तरीके से मिलेंगे ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी लेवल 2, 3 और 5 के। एडमिट कार्ड कब आएगा, सबसे पहली बात ये है जो इसको अपने को डिस्कस करना है। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपका एडमिट कार्ड जो है 4 से 5 मई में आ जाएगा, 4 से 5 मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज या कौन से स्कूल में आपके पेपर आपका होने वाला है, जिस भी एग्जाम सिटी में आपका एग्जाम है, जिस भी एग्जाम सिटी में आपका एग्जाम है वहां पे कौन से कॉलेज में कौन से स्कूल में आपका पेपर होने वाला है। तो रेलवे ने बोला था कि 10 दिन पहले वो स्टेटस निकालेंगे, है ना, और 3 दिन पहले वो एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन आपका जो स्टेटस है वो 16 दिन पहले ही आ गया, जो स्टेटस था वो 16 दिन पहले ही आपका आ गया। आप सभी को एग्जाम सिटी अपना पता चल गया है, तो जहां तक है कि 4 से 5 दिन पहले ही, है ना, 4 to 5 days आपका 4 से 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड भी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप अपनी टिकट्स वगैरह कर लीजिए और मेरा सजेशन है 1 दिन पहले जाइए अपने एग्जाम सिटी में, है ना, 1 दिन पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है और अपना वहां पे आराम करना है और फिर अगले दिन आपको पेपर देना है, ठीक है। तो वहां पे जरूर आप अपना रीच कर जाइए, पहुंच जाइए 1 दिन पहले, और जैसे ही आपका अभी से टिकट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और 4 से 5 मई को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, पता चल जाएगा आपका उस सिटी में कहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड था। अच्छा, बहुत दूर है सेंटर, क्या चेंज होगा या नहीं, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि भैया सेंटर इतना दूर है तो क्या चेंज होने का ऑप्शन है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी अभी तक ऑप्शन नहीं है चेंज होने का, ठीक है, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है चेंज होने का, सेंटर नहीं चेंज होगा और सेंटर इतना दूर, देखिए मैं आपके साथ हूँ, मैं ये बात मानता हूँ सेंटर इतना दूर नहीं होना चाहिए था। एक बार लड़के लोग जैसे तैसे पहुंच भी जाएंगे इतना दूर सेंटर, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर, लेकिन लड़कियों के लिए जो गर्ल्स हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने फैमिली मेंबर में से भी किसी एक लोग को लेकर के जाना पड़ेगा अपने साथ में, क्योंकि वो इतना दूर जा रही हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इतना दूर और इतनी दूसरे सिटी में, तो वहाँ पे गर्ल्स को प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है सेंटर चेंज करने का अभी तक। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ को लग रहा होगा कि क्या कैंपेन अगर हम कराते हैं, कैंपेन अगर हम कराते हैं तो हो सकता है सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आ जाए। तो आप खुद सोचो कि आपने इतना बड़ा कैंपेन जनवरी में किया था और
उतना बड़ा कैंपेन होने के बाद जैसे तैसे जाके आज से 3 साल 3.5 साल बाद आपका पेपर होने जा रहा है। अब ये बताओ आप क्या कैंपेन के भरोसे रह सकते हो? आपका 10 दिन बाद पेपर होने वाला है, आपका 10 दिन बाद पेपर होने वाला है, तो क्या आप कैंपेन के भरोसे रह सकते हो कि अब अगर आज आपकी डेट में, अगर आज या कल में आप कैंपेन करो और आप 4 से 5 तारीख तक ये वेट करो कि हो सकता है एनटीपीसी जो आरआरबी है वो सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दे दे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेंटर आ चुका है, एग्जाम सिटी डिसाइड है, पूरे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है, किसका कहाँ पेपर होने वाला है। तो पेपर कंडक्ट कराने के लिए जो भी वेंडर है आरआरबी है, उन्होंने अपनी तरफ से सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, तो अब वो किसी भी प्रकार का सेंटर आपका चेंज करने नहीं वाले, तो कोई ऑप्शन नहीं है। कैंपेन करना एक फालतू का ऑप्शन है, बिल्कुल इस समय मत, लास्ट टाइम में फंसिएगा। अगर कोई बोलता भी है कैंपेन कराने को, तो कोई फोकस नहीं करना है, आपको अपने सेंटर पे पहुंच के पेपर देना है। सीधी सी बात समझिए, आप 3 साल 3.5 साल इस पेपर के लिए इंतजार करें हैं। थोड़ा सा अगर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है उस सेंटर में पहुंचने पर, आपको होटल का पैसा देना पड़ जाता है, तो भी वहां पे आपको दे देना चाहिए। आपकी जिंदगी में 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार जितने भी पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वो आपके जो 3 साल बर्बाद हुए हैं अभी तक उससे बहुत कम है। तो अब और कोशिश मत करिएगा कि आपका और ज़्यादा पेपर में डिले हो या कुछ भी हो, ठीक है। थोड़ा पैसे खर्च कर लेना, अपनी मंजिल तक अगर पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, सेंटर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जहाँ पे सेंटर है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग गुस्से में होंगे कि क्यों किया रेलवे ने ऐसा, सीधी सी बात है उन्हें एक शिफ्ट में कराना, ठीक है। ठीक है, आपको पता है जोन वाइज पेपर होना है, पेपर कैसे होना है, जोन वाइज होना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए है ना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसीलिए बहुत दूर दूर सेंटर दे दिए गए हैं, ताकि लगभग लगभग सारे जोन के पेपर आपके सिंगल शिफ्ट में हो जाएं, एक ही शिफ्ट में सारे पेपर हो जाएं आपके, इसीलिए सेंटर इतना दूर दूर दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, फिर अगली बात आती है कि ट्रेन की टिकट्स फ्री फ्री में किसको मिलेंगी, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे थे कि फ्री ट्रेन टिकट्स किसको मिलेंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि फ्री ट्रेन टिकट्स केवल एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके चाहे वो लड़की हो, यानी कि चाहे वो मेल या फीमेल दोनों हो, लड़का या लड़की, उन सभी को एसटी एससी कैटेगरी में आने वालों को फ्री ट्रेन पासेस दिए जाएंगे, ठीक है। फ्री ट्रेन पासेस रेलवे की तरफ से आपको दिया जाएगा आपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। बाकी जितनी अदर कैटेगरी हैं, यूआर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, या नॉर्मल आपकी फीमेल कैटेगरी हो गई यूआर या ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, किसी को भी कोई भी पासेज नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आप ये सोचना मत कि फ्री ट्रेन टिकट्स मिलनी है, भैया ये सबके भरोसे मत रहना। आप अपनी ट्रेन टिकट बुक करिए, अभी ही बुक करिए, ठीक है। ट्रेन टिकट आपको बुक करनी ही करनी है अपनी, और अपने एग्जाम सिटी एक दिन पहले आप सभी लोगों को पहुंचना है, ठीक है। पेपर 9 और 10 मई को है, आप अपना 8 मई की ही टिकट कर लीजिए, 7 मई की टिकट कर लीजिए, आप 8 मई को अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। 9 को हो पेपर या 10 को, अभी से ट्रेन टिकट बुक कर लो, 1-2 दिन आराम कर लेना, फ्रेश हो जाना। 1,000-1,500 किलोमीटर की जर्नी में जाओगे ट्रेन में, पहली बात तो तुम्हें 1 दिन 1.5 दिन से ज़्यादा जर्नी में लग जाएगा, तो 1 दिन 1.5 दिन की जर्नी में थकान बहुत होती है, तो कम से कम 1 दिन का पूरा रेस्ट आप लोग लीजिए अपने सेंटर में पहुंच के, ठीक है। 1 दिन का पूरा रेस्ट लीजिए अपने सेंटर पे पहुंच करके, तभी आप एग्जाम रेडी हो पाएंगे, आपका माइंड फ्रेश हो पाएगा, ठीक है। तो अभी भी टिकट नहीं किया तो कर लो, नहीं तो तत्काल में करना पड़ेगा, प्रीमियम तत्काल में करना पड़ेगा, और पैसे खर्च होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, केवल एससी एसटी कैटेगरी को फ्री ट्रेन टिकट्स मिलेंगी। एक और लास्ट बात, पेपर लैंग्वेज क्या रहेगी सर? पेपर लैंग्वेज याद रखो, जब तुमने फॉर्म भरा था CBT 1 का, उसमें जो तुमने पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट करी रही होगी, वही पेपर लैंग्वेज रहनी है। एक चीज याद रख लो, इंग्लिश सब में रहना है, इंग्लिश जो है पेपर लैंग्वेज, ये आपकी ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी, ऑलवेज ये आपको वहां पे विजिबल रहेगा इंग्लिश में पेपर। लेकिन देखो बात ऐसे समझो, अगर जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने केवल और केवल इंग्लिश भर दिया होगा, तो पेपर आपको केवल और केवल किसमें विजिबल होगा? इंग्लिश में विजिबल होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने हिंदी वहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, तो हिंदी मिलेगा, साथ में इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा।
मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना मराठी लैंग्वेज सेलेक्ट करी, तो मराठी लैंग्वेज तो सेलेक्ट करी तो मराठी रहेगी, लेकिन ऑप्शन में आपको इंग्लिश मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ भी कन्नड़ा तेलुगु जो भी आपका है, ठीक है, कन्नड़ा या तेलुगु जो भी लैंग्वेज है, कोई भी जितने भी लैंग्वेज में पेपर होने वाला है, अगर आपने उस लैंग्वेज को भरा था अपने फॉर्म में, तो उसके साथ में आपको ऑप्शन में इंग्लिश भी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश भरा था तो उसके बाद फिर आपको जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल जो भी है, तो उस लैंग्वेज में पेपर आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपने इंग्लिश भरा तो इंग्लिश ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें गलती आपकी है, रेलवे की गलती नहीं है, क्योंकि अगर रेलवे कोशिश भी करे कि जो बच्चे इंग्लिश में फॉर्म भरे हैं उनको उनके रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर करा दें, तो भी रेलवे को नहीं पता चलेगा कि आपकी रीजन कौन सा है, आपको रीजनल लैंग्वेज कौन सी आती है। यानी कि उनको फिर से आपका फॉर्म फिलअप कराना पड़ेगा, फिर आपका देखना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज भर रहे हैं, फिर वो इंग्लिश के अलावा अल्टरनेट लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए था, इसमें रेलवे की अभी मुझे नहीं लगता कोई गलती है, ठीक है। तो और पेपर लैंग्वेज यही रहेगी, अगर इंग्लिश फिल किया था फॉर्म में तो केवल इंग्लिश रहेगी, लेकिन हिंदी, मराठी, कोई भी अदर लैंग्वेज, गुजराती, आपने जो भी फिल करा हो उसके साथ इंग्लिश तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। मतलब पेपर में कुल मिला के एक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी दिखनी है, ये बात आप समझ के चलो, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिल्कुल पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, है ना। और 4 से 5 तारीख, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए, 4 से 5 तारीख, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने बंद कर देने हैं, ठीक है। आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना, जितना लगा लिया लगा लिया, 4-5 और मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट अभी भी नहीं लगाए हैं तो भैया आपके पास 7 दिन बचते हैं, 6 से 7 दिन में आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट ऑली बोर्ड के प्रेफर करो, सौरभ कोड का इस्तेमाल करो, और मॉक टेस्ट आप बाय करो जरूर, है ना। इस कोड का यूज करके आप मॉक टेस्ट में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, बाकी अदर लेवल वाले कैंडिडेट जो हैं वो तो जरूर ही मॉक टेस्ट बाय करें, ऑली बोर्ड का बहुत ही शानदार मॉक्स हैं। लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए अपना एग्जाम सिटी, सभी बच्चे अपना एग्जाम सिटी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बताएंगे कि कितना दूर आपका सेंटर है, आप कहाँ रहते हो और कितना दूर आपका सेंटर है, कितने किलोमीटर आपका सेंटर है, ये सारी चीजें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप अपने सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे, बाइक, आप कार बुक करेंगे, गाड़ी बुक करेंगे, ट्रेन से पहुंचेंगे या फ्लाइट से जाएंगे, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम सिटी कितना दूर, किलोमीटर, सब कुछ बताना है, ठीक है, ताकि उस पर भी हम लोग एक कुछ एनालिसिस कर पाएं कि कितने बच्चों का आखिर सेंटर इतना दूर दिया गया है ना। शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑली बोर्ड SSC चैनल को ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।